शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन। बीजेपी पर भड़के आप नेता संजय सिंह। गुजरात चुनाव को लेकर साधा निशाना। कल के लिए सीबीआई ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी करके मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई दफ्तर बुलाया है, एक नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये पूछताछ नहीं है, गिरफ्तारी करना है, जेल में डालना है मनीष सिसोदिया को। और क्यों जेल में डालना है? क्योंकि गुजरात के चुनाव की तारीखें घोषित होने वाली है, गुजरात में मनीष सिसोदिया का कार्यक्रम लग रहा है, गुजरात के अंदर मनीष सिसोदिया की रैलियां, सभाएं और प्रचार का कार्यक्रम लग रहा है। उससे पहले यह नोटिस गिरफ्तारी का नोटिस है, यह नोटिस जेल में डालने का नोटिस है, यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी की हार का संकेत है, भारतीय जनता पार्टी की हताशा का संकेत है। कितने आरोप लगाए मनीष सिसोदिया पे? कहने लगे 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। उस 10,000 करोड़ के घोटाले को पकड़ने के नाम पे 500 जगहों पर छापेमारी की है सीबीआई ने। अब तक 500 जगहों पर छापेमारी, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की। कहीं तकिया फाड़ रहे हैं, कहीं गद्दा फाड़ रहे हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। 14 घंटे की छापेमारी के बाद ना कोई बेनामी संपत्ति का कागज मिला, ना एक रुपए की बरामदगी हुई, ना किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला। फिर हताशा में बोले बैंक का लॉकर चेक करना है। बैंक का लॉकर चेक करने चले गए, वहां पता चला मनीष सिसोदिया जी के बच्चे का झुंझुना मिला था वहां बैंक के लॉकर में। वो झुंझुना लेके चले आए। भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है? गुजरात में हार का डर इतना सता रहा है, रातों की नींद हराम हो गई है भाजपाइयों की। उनके पास एक काम है सिर्फ, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न करना है, जेल में डालना है। मैं बीजेपी के नेताओं से साफ तौर पे कहना चाहता हूं, तुम्हारी इस हताशा में की गई कार्रवाइयों से, ये जेल में डालने से आम आदमी पार्टी के नेता डरने और रुकने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के अगर बीजेपी सोचती है कि गुजरात में हार से बच जाएंगे, तो हार से आप लोग बचने वाले नहीं हो। तुम्हारा उत्पीड़न, तुम्हारी हताशा में की गई ये कायरतापूर्ण कार्रवाई, पूरा का पूरा गुजरात देख रहा है और देश देख रहा है। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिनकी लोकप्रियता पूरे दुनिया में है, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो दिल्ली के लाखों बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे उनकी फोटो छप रही है, ऐसे शिक्षा मंत्री को भारतीय जनता पार्टी जेल में डालने की तैयारी कर रही है। कल उनको जेल में डालने जा रही है। इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस प्रकार के उत्पीड़न की कार्रवाई से, इस प्रकार जेल में डालने से, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने से हार से बीजेपी नहीं बचेगी। हताशा में भाजपा के नेताओं को हो, जो कुछ भी करना है कर ले, जिसको भी जेल में डालना है डाल लो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात में, और गुजरात का चुनाव हम लोग जीतेंगे।